देख लो यहाँ पे हरी सब्जियां हो रखी हैं, ये राई के पत्ते खत्म। अभी पूरे पेड़ में झाड़ी झाड़ी हो रही है, थोड़ी देर में पेड़ बहुत सुंदर लगना लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी देखो सूरज देवता आ चुके हैं और हम लोग भी खेत में आ चुके हैं अपने काम धाम पे। और फिलहाल ये चेक करो, यहाँ पे हमने ये कुछ मेथी बो रखी थी ना, तो मेथी को क्या कर रहे हैं, चिड़िया सुबह सुबह आ रही है, इसके पत्ते 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 खा करके चले जा रही है, पता भी नहीं चला कब आ रही है। और ये लहसुन की कलियां, खेत के किनारे किनारे हमने लगा रखे हैं गेंदा के फूल, इतने प्यारे से खिले हुए हैं ना ये। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पेड़ों की कटिंग हमने पहले ही कर चुके थे, तो कटिंग कुछ इस तरह से करते हैं। ये देख लो, आजकल हमारा सिर्फ कटिंग कटिंग का ही हो रहा है, तो आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। पहाड़ों में ना आसमान कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल एकदम से नीला नीला, खतरनाक ही, बहुत जबरदस्त वाला। और ये देख लो यहाँ पे हरी सब्जियां हो रखी हैं, ये राई के पत्ते हैं, कुछ पत्ते मतलब हमने किनारे किनारे ना ऐसे बो रखे ताकि हमारे 2-3 दिन में एक सब्जी हो जाए, तो ये कुछ इस तरह से होता है। और किनारे किनारे साथ में फूल भी लगा रखे हैं, जो मतलब इस खेत की ना सुंदरता और मतलब एक बहुत अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर देखने में बेसिकली। ये देख लो किनारे किनारे कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये हमारा पानी का टैंक, और ये जो पानी चल रहा है स्रोत का पानी है, यानी कि ये वहां पे जो दीवार दिख रही है वहां पर ये पानी निकलता है। और अंडरग्राउंड है, कम से कम 30 फीट चौड़ा इसमें पाइप डाल रखा है यहाँ पे, 30 फीट लंबा, सॉरी चौड़ा नहीं। और कटिंग का काम शुरू हो चुका है यहाँ पर, पापा और कन्नू कर रहे हैं। क्यों चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, नहीं हो रहा बढ़िया? तो देख लो अभी पूरे पेड़ में झाड़ी झाड़ी हो रही है, थोड़ी देर में पेड़ बहुत सुंदर लगना लगेगा। अरे पाऊ में कट्ठू पेड़ कैसे हरो, नहीं एक कटिंग लगा देंगे उसमें। कटिंग लग जाऊं मैं, दोनों में ही लग जाएंगे बल्कि। अभी देखो इतना यो में ही तो ग्रोथ कैसी आई ऑल पेड़म इसमें, ये अरे पानी नहीं मिट्टी नया है ना ये वहां वाला भाई। आप इसको ये इसके कटिंग करने में होगी हालत खराब है, बहुत बढ़िया। नहीं यहां से उठा, ये हटा, हाँ हाँ इसी को कर भाई। ये कल्ला जो होता ना, ये आता जाता है लेकिन डबल खर्चा रख लेता। ये वाला कल्ला जो है ना ये, अरे नहीं रखना यहीं से कर, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कल्ला होता है, पता है तेरे को? ये वाली जो टहनी होती है ना, ये वाली, ये बहुत जल्दी और बहुत प्यारा ग्रोथ पकड़ती है, मतलब इसको एक ही साल में पूरा कवर कर देगा और इतना बढ़िया ग्रोथ आएगा ना इसमें। इसमें देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, ये जो है ये फल वाली आंख है, और इसी में से ये बीच में से यहाँ पे 3 आंखें हैं, और इसमें से 1 आंख जो है वो कल्ला देगी और दोनों में फूल लगेगा और वही फल बनेगा। तो फिलहाल कुछ पेड़ों की कटिंग ऐसे होती है यहाँ पे। पापा कर रहे हैं इस वाले पेड़ की कटिंग, मैं करूँगा इस वाले पेड़ की कटिंग, तो साथ साथ चलते हैं। फिलहाल आज ये वाला खेत तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कमलदा हमें देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कैंची चला तू, कैंची ले जा, तू इनको इकट्ठे कर देना यार भाई, इनको ये सारे इकट्ठे कर दे यार। तो कमल को बता दिया काम, कमल मैं गाली तो दूंगा ही, फिर वो अगली बार जब मैं देख ले ये। खतरनाक वाले ब्लैक ही तो आ गया। डब्बू का है, डब्ल्यू क्यों नहीं आई है, डब्ल्यू क्यों नहीं आई बताइयो, अषाढ़ी है तो इनमें एक बहुत कॉमन चीज होती है, हमें क्या होता ना, हम कंटिन्यू काम करने वाले तो हमें पता है कि ये पेड़ कौन सा है, ये पेड़ अषाढ़ी का है, ये पेड़ रेड जून का है,
मतलब कोई भी अगर 3-4 वैरायटी के पेड़ ऐसे होंगे, असाड़िया, पैरा, रेड जोन, और हम उन पेड़ों को पहचान सकते हैं इजीली। जैसे कि कन्नू भाई पहचानने में धोखा खा गए। अरे मैं शहंशाह हूं भाई। अच्छा, फिर भी धोखा खा गया भाई। सही है, सही है, धोखा खाते हैं। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। तो भैया जी अभी आधा ही खेत कर रखा है और कन्नू तो सिर्फ बस मस्ती कर रहा है। देख लो, स्टैंड के साथ मस्ती कर रहा है। फिलहाल चाय आ चुकी है, चाय आ रही है ब्लैक टी। हम लोग ना उस तरफ वाले खेत में थे, वहां से आगे ये बीच में रोला है। ये रोले में 5 खेत हमारे बह चुके थे। फिलहाल हम लोग, मतलब मैं खा रहा हूँ अभी 2 कीवी और 1 संतरा, और मम्मी पापा और कन्नू उस वाले कोने में बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं इस तरफ आ गया था, वो लोग वहीं कर रहे थे और मैं इधर आ गया, तो मेरा ये इधर आ गया। ओ गाइस, फिलहाल हो चुकी है रात और दिन की ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट अभी थोड़ा बहुत भी थोड़ा साउंड थोड़ा सा सही आ रहा है। तो ये जो रखा है इसमें है चने, आज चने की सब्जी बन रही है और चने बन रहे हैं चूल्हे में। कम से कम 8 से 10 सीटी इसमें आ जाएंगी तो बस बढ़िया हो जाएगा। ये कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है यानी कि रोटी सब्जी बनाने के लिए। अब ये चीज़ें ना उन्हीं को अच्छी लगेगी जिसको चूल्हे की बनी हुई रोटियां यानी कि खाना पीना अच्छा लगता हो। बाकी तो सब आजकल गैस वाले हो गए। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे इतनी मोटी रोटी बना रहे हैं और इतनी छोटी सी रोटी है ये किसके लिए बन रही है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रोटी है ये सेकाई करने के लिए, यानी कि कच्ची रोटी से, हल्की कच्ची रोटी से जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर सेकाई करते हैं तो इससे जल्दी आराम मिलता है। तो फिलहाल रोटियाँ बनाना कंटिन्यू कर रहे हैं मैं और पापा जी। अभी तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, जैसे ब्लॉग फिर हटेगा तो फिर मैं और पापा रोटी बनाएंगे। एक लेंगे करो ना।